हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक मैसेस ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस किस तरह से मालूम कर सकते हैं, यानी आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एक मॉडर्न टेक्निक की जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है, टेक्निक विच इज यूज टू मैयर, विच इज यूज टू मैयर एग्जैक्ट मैसेस, एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट मैसेस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनके एग्जैक्ट मैसेस और उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, इसको मेजर करने के लिए जो टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब जो इंस्ट्रूमेंट इस पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं। आइसोटोप्स के मैसेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके तीन आइसोटोप्स हैं, एक का मैस नंबर 1 है, कुछ ऐसे एटम हैं जिनका मैस नंबर 2 है, कुछ ऐसे एटम हैं जिनका मैस नंबर 3 है। तो अब ये जो इनके मैसेस हैं इनको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं। मैसेस के साथ साथ इनकी जो अबंडेंस है, अबंडेंस का मतलब क्या कि इनमें से कौन सा ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अगर मैं हाइड्रोजन के एलिमेंट ले आऊं तो उस हाइड्रोजन के एलिमेंट में तो ये तीनों तरह के हमें दिखाई देंगे। अब उनमें ये जो वन मैस वाला जिसको प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम ज्यादा अमाउंट में है, ड्यूटेरियम ज्यादा अमाउंट में है, ट्रिटियम ज्यादा अमाउंट में है, इनकी अबंडेंस कितनी है, इनकी एग्जिस्टेंस कितनी है उस एलिमेंट में, इसको भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। और ये सारा काम करना किसने है, जिस इंस्ट्रूमेंट ने करना है उसको बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है ये किस तरह से वर्क करती है, इसमें किस तरह से एटॉमिक मैसेज और अबंडेंस मालूम की जाती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। चलिए देखते हैं इसका क्या, किस तरह से हम लोग मेजर कर लेते हैं एग्जैक्ट मैसेज और इनकी रिलेटिव अबंडेंस। सबसे पहले जिस सब्सटेंस को, जिस एलिमेंट को हम लोगों ने एनालाइज करना होता है, यानी जिस एलिमेंट के, जिस सब्सटेंस के हम लोगों ने मैसेस, उनके आइसोटोप्स के और उनकी अबंडेंस को डिटरमाइन करना हो, उसको सबसे पहले वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइज द एलिमेंट, वेपोराइज द सब्सटेंस। हमने सबसे पहले सब्सटेंस को वेपोराइज कर लेना होता है। वेपोराइज किस तरह से करते हैं, हमारे पास अगर एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है, एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो हम लोग सबसे पहले उसको वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय हीटिंग, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और उसको वेपोराइज कर लेते हैं। देखिए सॉलिड और लिक्विड तो चलो वेपोराइज कर लिए ताकि उनके एटम्स जो है वो सेपरेट हो जाएं, सिंगल एटम्स हो जाएं। कुछ हमारे पास गैसेस होती हैं जैसे क्लोरीन है या फ्लोरीन है, ये डायटॉमिक गैसेस हैं, दो दो एटम आपस में कंबाइन अप होते हैं, तो इनको क्या करते हैं जब हम लोग हीट करते हैं
क्लोरीन है, इसको जब हम हीट करेंगे तो जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसके एटम्स सेपरेट हो जाएंगे, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन है लेट्स सपोज, तो फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन जब बिखर जाएगा तो बिखर के क्या होगा, अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कोई सॉलिड स्टेट में है उसके तो एटम्स वैसे कंबाइन अप होते हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको भी हम लोग हीट करके तोड़ लेते हैं, एटम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि वेपोराइज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हम लोगों को वेपोराइज करने की, बस एलिमेंट लो बात खत्म करो। नहीं, असल में हम लोगों ने क्या करना है, हमने वेपोराइज करने के बाद इनकी आयोनाइजेशन करनी होती है। क्या करना होता है वेपोराइजेशन के बाद, आयोनाइजेशन, यानी इनको आयंस में कन्वर्ट करना है। अब अगर हम लोग इनको वेपोराइज नहीं करेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्यों, चूंकि अगर डायटोमिक गैसियस हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, दो दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, एक एटम, ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये दूसरा एटम। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, आयंस में इसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके साथ साथ अगर कोई एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है या कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है तो इस तरह से इनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द एटम्स, तो अब उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आयोनाइजेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको वेपोराइज करते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसकी आयोनाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके। अच्छा जी, तो वेपोराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी आयोनाइजेशन, यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है गैसियस फॉर्म में है या सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, हमने क्या सबसे पहले किया, उनके वेपर में उनको कन्वर्ट कर लिया। लेट्स सपोज ये यहां पे इसके सारे एटम बिखर गए, वेपर में कन्वर्ट कर लिया यानी एटम्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि इनकी आयोनाइजेशन आसान हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इन वेपर में से हाई एनर्जी, क्या करते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करते हैं। जैसे हम लोग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम में से पास करते हैं तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट कर देती है, ये आएगी इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद यहां पे जितने भी एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्किप हो जाएंगे। जब उनके इलेक्ट्रॉन स्किप हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट। यानी क्या होगा, इसको ऐसे करके समझ लें, जैसे ये मेरे पास एक एटम है, ये एक एटम है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तो इस वजह से पूरे न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी इन एटम्स के साथ टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको साथ में स्किप आउट करके ले जाएंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन स्किप हो जाएंगे, निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो अब ये वाला जो हिस्सा है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्टिकल, ये वाला जो एटम है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव आयन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव होगा तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी एटम्स होंगे ये सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। आयोनाइजेशन के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको मैं रेस कर देता हूं यहां से। आयोनाइजेशन के बाद नेक्स्ट काम ये हुआ कि ये जितने भी एटम्स हैं ये सारे पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव आयन्स। अब यहां पे जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे, एक एटम के, एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, अब जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे इन सब की एक डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, डेफिनेट मास टू चार्ज रेशियो होगी। जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे इन सब की एक डेफिनेट मास टू चार्ज रेशियो होगी। मास टू चार्ज रेशियो का क्या मतलब है, क्योंकि एलिमेंट के अंदर होते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स उसी एलिमेंट के वो वाले एटम्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर में तो एक जैसे लेकिन मास नंबर में मुख्तलिफ हैं। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास नियॉन का एलिमेंट है, तो इसमें इसके सारे एटम्स हैं,
तो अब यहाँ पे जो एटम्स हैं ये मैस नंबर में एक जैसे नहीं है, बहुत सारे एटम ऐसे हैं जिनका मैस नंबर 20 है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैस नंबर 21 है, बहुत सारे नियॉन के एटम ऐसे हैं जिनका मैस नंबर 22 है। तो इसमें तीन तरह के एटम्स जो है वो इस एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसका आइसोटोप हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो आप इसी तरीके से जब ये एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तभी भी इनके जो मैसेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। कोई पॉजिटिव आयन थोड़ा हैवी होगा जो नियॉन 22 का होगा, जो नियॉन 21 का पॉजिटिव आयन होगा वो थोड़ा इससे हल्का होगा, और इस तरीके से नियॉन 20 का इसका वेट इससे भी कम होगा, थोड़े और हल्के होंगे। तो यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन उन सबकी जो मैस टू चार्ज वैल्यू है वो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, हर एक की कोई ना कोई महसूस होगी, कुछ की 20, कुछ की 21, कुछ की 22। तो मैस टू चार्ज वैल्यू का क्या मतलब है, चूंकि ये पॉजिटिव आयन है यानी इनके ऊपर चार्ज है, इनका कोई ना कोई मैस भी होता है। जैसे नियॉन, लेट्स सपोज अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में से रिमूव होता है तो इसकी मैस टू चार्ज रेशियो क्या बनेगी, 20/1, यानी मैस 20 और चार्ज के ऊपर +1। अब इस तरह के जो एटम्स हैं उनकी रेशियो क्या बनेगी, 21 मैसेज हैं और चार्ज क्या है, +1। और इसी तरीके से इसकी क्या बनेगी, 22 इनका मैसेज है और +1। तो ये वही मैस टू चार्ज रेशियो बन जाएगी। तो यानी यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आयन हैं उनकी डेफिनेट मैस टू चार्ज वैल्यू होगी। आपके ध्यान में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोगों ने तो एटम्स के आइसोटोप्स, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स मेजर करने, एटम्स का मैस मालूम करना है, तो हम लोगों को इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ गई हम लोगों को आयोनाइजेशन करने की, इसकी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे नियॉन 20 के भी एटम्स हैं, नियॉन 21 के भी एटम्स हैं, नियॉन 22 के भी एटम्स है, तो बस इनको डिटरमाइन कर लो, मेजर कर लो, इनको सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे इनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पेश आ गई, तो याद रखें हम लोगों ने इन एटम्स को मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो सेपरेट करना होता है वो सेपरेट करना होता है बाईपासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग न्यूट्रल एटम्स को पास करवाएंगे तो न्यूट्रल एटम्स मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रल एटम्स जो है, अगर मैं पास करवाऊं न्यूट्रल एटम को मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये वाले जो न्यूट्रल एटम्स होंगे वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, वो सीधे पास हो जाएंगे। हमेशा याद रखें इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं यही डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एंड इट डज नॉट इफेक्ट ऑन न्यूट्रल एटम्स। तो हम लोगों ने इनको पास करवाना होता है मैग्नेटिक फील्ड में से, क्यों मैग्नेटिक फील्ड में से, चाहिए हम लोगों ने इनको सेपरेट करना है। तो जब हम लोगों ने इनको सेपरेट करना है तो इनकी डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर न्यूट्रल एटम होंगे तो डिफ्लेक्शन ही होगी, डिफ्लेक्शन ही होगी तो सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए हम लोगों ने इनको आयंस में कन्वर्ट किया है। तो अब आपके ध्यान में ये बात भी आ सकती है कि जब इन एटम में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो फिर क्या इन एटम्स के मैसेज चेंज नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। देखिए जब हम लोग इन एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे तब भी इन एटम्स के मैसेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटिल बिट भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह यह है चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ही लाइट पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो मैक नंबर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम लोग मैक नंबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम हमने नहीं लिया मैक नंबर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ही लाइट पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हम लोग तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवी होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स इतने गुना ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता एटम के मैस के अंदर। तो ये बहुत ही लाइट पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल है,
अगर ये रिमूव भी हो जाते हैं एटम में से तो उनके मैसेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं, इसको रेज कर देते हैं यहां से, पॉजिटिव आयन बन गया, डेफिनेट मास चार्ज वैल्यू है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से, मैग्नेट लगाए होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होता है, जैसे हम लोग उनमें से पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव आयन को सेपरेट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव आयन को सेपरेट कर देता है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस किस बुनियाद पर सेपरेट कर देता है, सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर सेपरेट कर देता है। जैसे हम लोग पॉजिटिव आयन को पास करवाएंगे, चलो उसको ऐसे करके समझ लो, जैसे मैं थोड़ा इसको यहां से रेज कर देता हूं, इसको ऐसे समझ लें जैसे एटम्स के पॉजिटिव आयन हमारे पास मौजूद हैं इस चैंबर के बाहर, यहां पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इस तरह से इधर भी। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इनकी डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू है, जैसे अगर सपोज करो कि ये नियॉन का है तो इसमें कुछ पॉजिटिव आयन के मैसेस होंगे 20, कुछ के 21 और कुछ के 22, यानी डिफरेंट मैसेज वाले हमारे पास आयन प्रेजेंट होंगे। अब जैसे हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे, चले मान लेते हैं कि हमने मैग्नेट लगाए हुए हैं यहाँ पे, अब इसमें से इसको पास करवा रहे हैं इन पॉजिटिव आयन, अब जैसे ये पॉजिटिव आयन इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज वाले पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जैसे ही हम लोग इनको इनमें से पास करवाएंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसका मैस ज्यादा होगा वो और तरह से डिफ्लेक्ट होगा, जिसका मैस कम होगा वो और तरह से डिफ्लेक्ट होगा, जिसका मैस इससे भी कम होगा वो और तरह से डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो हल्के लाइट पार्टिकल हैं, लाइट पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में से जैसे ही पास होंगे वो सबसे पहले डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हल्के पार्टिकल्स को एकदम धक्का लगाएगा, गिर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो थोड़े हैवी होंगे, आ रहे ना पीछे से, थोड़े हैवी होंगे वो थोड़े उसके बाद डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो सबसे ज्यादा हैवी होंगे उनका पाथ कोई और ही होगा डिफ्लेक्ट होने का। तो मैग्नेटिक फील्ड में से जैसे ही जो हल्के पार्टिकल होंगे वो पहले गिर जाएंगे, जो थोड़े हैवी पार्टिकल्स होंगे थोड़े बाद में गिरेंगे, जो उससे हैवी पॉजिटिव आयंस होंगे उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इतना ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हैवी ज्यादा है उनकी डिफ्लेक्शन थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो इस तरह से डिफरेंट पाथवे में ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग इनको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, इनको सेपरेट करने के बाद इनको हम लोग रिकॉर्डर में भेज देते हैं। ये सारा काम होना कहाँ पे है, ये सारा काम होना है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो रिकॉर्डर के बाद हमारे सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही होती है, रिकॉर्डर इस सारे डाटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, एग्जैक्ट मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस की इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रम, यानी हम लोगों को ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, यानी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, मैस नंबर क्या है, ये सारे हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रम, मैस स्पेक्ट्रम की शक्ल में हम लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये मैस स्पेक्ट्रम यहां पे क्या है, मैस स्पेक्ट्रम हम लोग किसको बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रम किसको बोला जाता है, मैस स्पेक्ट्रम जो है ये दरअसल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन कौन सी, यानी आइसोटोप्स के मैसेज क्या है और इनकी अबंडेंस क्या है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम है मैस स्पेक्ट्रम। तो मैस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैस स्पेक्ट्रम जो है दरअसल इट इज प्लॉट ऑफ डेटा, डेटा किस चीज का, ये वाला एग्जैक्ट मैस और रिलेटिव अबंडेंस का। तो प्लॉट ऑफ डेटा इन विच मैस टू चार्ज रेशियो is at x-axis and relative
अबंडेंस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इज एट वाई एक्सिस। तो ऐसे जो डेटा का प्लॉट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नियॉन के एलिमेंट को मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ऐड करें और मैस स्पेक्ट्रोमीटर हम लोगों को उसके आइसोटोप्स के मैसेस और अबंडेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। यानी अगर ये नियॉन का सैंपल है तो इस तरह का ग्राफ हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा। नियॉन के तीन तरह के आइसोटोप हैं, इनमें जो मैस टू चार्ज वैल्यू होगी, मैस टू चार्ज वैल्यू होगी नियॉन की, कुछ आइसोटोप्स के मैसेस जो हैं मैस टू चार्ज वैल्यू एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव अबंडेंस जो है इनकी, यानी कितने कितने परसेंट ये पाए जाते हैं, वो वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होगी। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाला y एक्सिस। अब तीन तरह के इसके मैस टू चार्ज वैल्यू वाले आइसोटोप्स होंगे, 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले। अगर हम लोग नियॉन के सैंपल को ऐड करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में तो हम लोग को इस तरह का मैस स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस तरह से। अब अगर इसकी हम लोग एग्जैक्टली रिलेटिव अबंडेंस डिटरमाइन करें मैस स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये बनती है तकरीबन 90.92%। यानी नियॉन के सैंपल में जो 20 मैस वाले आइसोटोप्स हैं इनकी अबंडेंस 90.92% तक होती है तकरीबन। और इसी तरीके से जो 21 वाले होते हैं इनकी 0.26% अबंडेंस होती है, और इस तरह से जो 22 वाले होते हैं इनकी 8.82% तक रिलेटिव अबंडेंस रिकॉर्ड की जाती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस तरह से मैसेस की जो मैस नंबर है या मैस टू चार्ज वैल्यू वो एक्स एक्सिस पे है और रिलेटिव अबंडेंस की जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पे होती है, और यहां से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि जो सैंपल हम लोगों ने मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ऐड किया उसके मैस नंबर क्या है, कितने आइसोटोप्स की तादाद है और उनके मैसेस क्या है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ये हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा जी, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हमने देखा कि आइसोटोप्स को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय पासिंग पॉजिटिव आयंस इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट करवा के हम लोग आइसोटोप्स को सेपरेट कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। हम लोग इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आइसोटोप्स को सेपरेट कर लेते हैं। पहली जो सबसे बड़ी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए, दैट इज गैशियस गैशियस डिफ्यूजन। ये बड़ी अहम टेक्निक है, इसको यूज करके भी हम लोग आइसोटोप को सेपरेट कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गैशियस डिफ्यूजन में ये जो डिफ्यूजन है इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जो मूवमेंट है इसको हम लोग गैशियस डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, इनको हम लोग गैशियस डिफ्यूजन के तरीके से भी, जिसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी, वो जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो लो कंसंट्रेशन की जब मूव करेंगे तो हम लोग इस बेस पे इनको सेपरेट कर लेते हैं गैशियस डिफ्यूजन के तरीके। एक टेक्निक, एक और टेक्निक है, दैट इज थर्मल डिफ्यूजन, यानी हीट करके उनकी डिफ्यूजन की जाती है इनकी आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स की थर्मल डिफ्यूजन करके भी, हीट करके भी इनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से एक और टेक्निक है डिस्टिलेशन। अब ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं,
आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टिलेशन से भी इनको सेपरेट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे भी हम लोग आइसोटोप्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तीन टेक्निक्स हो गई। इस तरह से एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक हम लोग यूज करते हैं आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए, दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये भी बहुत अहम टेक्निक है जो हम यूज करते हैं आइसोटोप को सेपरेट करने के। इस टेक्निक में आइसोटोप किस बुनियाद पर सेपरेट हो जाते हैं, याद रखिएगा, इस टेक्निक में आइसोटोप की जो सेपरेशन है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट होती है। तो ऐसी टेक्निक जिसमें डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि डेंसिटी इनकी डिफरेंट होगी, आइसोटोप को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। जैसे आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, एरियाज हैं, पुराने जमाने में वहाँ पे क्या करते थे, वो जब लस्सी बनाते थे तो उसके लिए एक मशीन यूज करते थे जिसको हम लोग नॉर्मली बधानी बोलते हैं। तो वो यूज करते थे, वो क्या करता था, वो चलती थी उसके अंदर जो दही वगैरह बनाई होती थी, तो उससे मक्खन को सेपरेट किस बुनियाद पे किया जाता था, डेंसिटी की बुनियाद पर सेपरेट किया जाता था। वो तेजी से घूमती थी, घूमने से क्या होता था, जिनकी जो डेंसिटी होती थी वो हल्की होती थी वो ऊपर आ जाते थे, लस्सी की डेंसिटी ज्यादा होती थी वो नीचे रहते थे। तो पार्टिकल्स को घुमा के इनको इकट्ठा करके सेपरेट कर दिया जाता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल ऐसी ही टेक्निक को बोलते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी हम लोग कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवा के भी हम लोग आइसोटोप को सेपरेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी हम लोग कर लेते हैं आइसोटोप्स की सेपरेट करने के लिए। इस तरह से एक और टेक्निक है जो कि मॉडर्न टेक्निक है, दैट इज लेजर सेपरेशन। हम लोग लेजर को इस्तेमाल करके भी आइसोटोप्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। अच्छा जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ओके। इसको रेज करते हैं यहां से। अच्छा जी, सबसे पहला जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया गया वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन तकरीबन 1927 में फर्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया गया। फर्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया गया। किसने डिजाइन किया, एफ डब्ल्यू एस्टन। इसने सबसे पहला मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डिजाइन किया, जिसको एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। अब ये वाला जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर था, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर आइडेंटिफाई किया जाता था बाय यूजिंग एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस तरह से एक और मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया गया, जिसको डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये वाला जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइसोटोप्स विच आर प्रेजेंट
इन सॉलिड स्टेट, ऐसे आइसोटोप्स जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब जिसकी हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे, जिसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, उसकी वर्किंग की बात करेंगे, दैट इज मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर, अब ये जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये दरअसल एस्टर्न्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर की ही मॉडिफिकेशन फॉर्म है। एस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर और जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में टू एडिशनल पार्ट्स हैं, यानी दो पार्ट्स ज्यादा हैं मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। टू एडिशनल पार्ट्स हैं इसमें, कौन कौन से? इसमें एक तो रिकॉर्डर लगाया गया है और दूसरा जो है इसमें वो एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया गया है। इनकी डिटेल से बात हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये किस तरह से वर्क करता है और इसमें रिकॉर्डर का क्या काम है और एम्पलीफायर का क्या काम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर और जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर इसमें किस चीज में डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे कि मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में दो पार्ट्स की एडिशन की गई है जो कि एस्टर्न्स में नहीं थी, इसकी रिकॉर्डर की और एम्पलीफायर की। दूसरी बात आप लोगों ने यहां पे जो याद रखनी है वो ये है कि एस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो आइसोटोप थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेस, और याद रखें जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें आइसोटोप को हम लोग सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर हम लोग सेपरेट करते हैं, यानी एम ओवर ई, इस बुनियाद पर हम लोग सेपरेट करते हैं आइसोटोप्स को। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ एस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या एस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये वाला जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये इसी की ही मॉडिफिकेशन फॉर्म, इसी को थोड़ा बेहतर बना दिया। अब ये जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, अगर हमारे पास एलिमेंट का जो सैंपल है वो गैसियस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड स्टेट में है, सभी ही के लिए हम लोग मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर को ही यूज करते हैं।